हेलो दर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डीआरएक्स फैमिली पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके कितने ब्रांचेस हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज हमने डिस्कस किया था। आइए आज हम बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे स्कोप जो है इसका मतलब है कार्य क्षेत्र या क्षेत्र या कहा जाए फील्ड। तो कम्प्लीटली इसको कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कौन कौन से फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ है अलग अलग फील्ड में, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो हमारी विज्ञान है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है, ये डे बाय डे क्या हो रहा है, ये भी एडवांस होता जा रहा है। इस वजह से माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स जो हैं डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, द फील्ड इन विच माइक्रोबायोलॉजी आर इंटेंसिवली यूज्ड आर एज फॉलोइंग। और ऐसे फील्ड्स या ऐसे कार्य क्षेत्र जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल को काफ़ी गहराई से इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन कौन से हैं, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है फूड एंड डेयरी। फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज जो होते हैं वहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल फार्मिंग में भी हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो है, ये भी एक तरह का माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच है जहाँ इंडस्ट्रीज़ में हम माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इम्यूनोलॉजी में भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी हम माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपने टोटल 6 पॉइंट ऐसे देखे, मतलब या कहा जाए 6 ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रिंसिपल्स का। ठीक है, हालांकि 6 से ज़्यादा ही फील्ड हैं जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। फिलहाल आपको एग्ज़ाम में इस 6 पॉइंट को लिखने के बाद एक एक करके उनको डिफाइन करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फूड और डेयरी इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहला पॉइंट हमारा बता रहा है कि फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है, ये एक ब्रांच होता है साइंस का, या मोर स्पेशली कहा जाए ये ब्रांच होता है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं कि कैसे किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना है फूड इंडस्ट्री में या डेयरी इंडस्ट्री में, ताकि उनके द्वारा कोई एक प्रोडक्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आपसे यही बोला, द फूड माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड पॉइंट, माइक्रोबायोलॉजी फाइंड्स इट्स स्कोप इन द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, चीज, पिकल एक्सेट्रा सिंपली बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रोबायोलॉजी अपना कार्य क्षेत्र बनाता है फूड और डेयरी इंडस्ट्री को, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करता है, अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इस्तेमाल से वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है जिसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए इंटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योगर्ट, चीज और पिकल। ठीक है, योगर्ट, चीज़ और पिकल, ये तीनों चीज़ जो होता है इंसान इन्हें खाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे हम और भी कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसे एक इंसान खा सकता है या जानवर खा सकते हैं। सबसे पहले आता है चीज़। ठीक है, तो कैंडिडा कॉलिक्यूलोसा, ठीक है, ये एक तरह का ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा हम चीज़ बनाते हैं। फिर आता है यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली सुगर फर्मेंटेशन एनर्जी ATP एंड फर्मेंटेशन से जस्ट आगे आप देख सकते हैं इथेनॉल प्लस CO2। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। मतलब जो माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे कितने तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनके क्या काम हैं किसी एक एनवायरनमेंट में। ठीक है, कोई एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं
और साथ ही साथ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या काम हैं, इसकी पढ़ाई हम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी फाइंड्स इट्स स्कोप इन फॉलोइंग फील्ड, मतलब एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो होता है इसको फॉलोइंग फील्ड्स में हम इस्तेमाल करते हैं। पहला एनालिसिस ऑफ वेस्ट बायो ट्रीटमेंट, सेकेंड ऑयल बायोडिग्रेडेशन। इन दो फील्ड्स में हम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या कहा जाए इसके प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की। पहला पॉइंट आपसे ये बताना चाह रहा है कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ये ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे पैसा कमाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और एक बार जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं तो उसके द्वारा कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें, ठीक है। या तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बन रहा है, उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम कोई तीसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं यीस्ट, ठीक है। यीस्ट जो है एक तरह का ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ह्यूमन या एनिमल डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर सकते हैं, और या तो उसको हम ब्रेड भी उसके द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। पहला बात हमने बोला यीस्ट को डायरेक्ट कंजप्शन कर सकते हैं, और दूसरा उसी यीस्ट के मदद से हम ब्रेड भी बनाते हैं, ठीक है, उसी यीस्ट के मदद से। उसके बाद फिर मैंने बोला कि इसी यीस्ट से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और बनता है इथेनॉल, और इस इथेनॉल को अल्कोहलिक बिवरेज के तौर पे लोग पीते हैं, और या तो कहा जाए इसी इथेनॉल के यूज से हम परफ्यूम बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है और उसके द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, यीस्ट हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका हमने कल्टीवेशन किया या सॉरी जिसका हमने प्रोडक्शन कराया, और उस यीस्ट के इस्तेमाल से हमने क्या बनाया, ब्रेड। ब्रेड को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, ठीक है। और यही यीस्ट जो होता है इथेनॉल बनाता है, और इथेनॉल जो बनता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे पहला पॉइंट यही बोल रहा है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लार्ज स्केल एंड प्रॉफिट मोटिवेटेड प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर डायरेक्ट यूज और एज इनपुट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल, यीस्ट मे बी प्रोड्यूस फॉर डायरेक्ट कंजप्शन एज फूड फॉर ह्यूमन और एज एनिमल फीड और फॉर यूज इन द ब्रेड मेकिंग। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ यीस्ट सच एज इथेनॉल मे ऑल्सो बी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहलिक बिवरेज और यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी जो है ये ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी का, जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी जो है ये एक माइक्रोबायोलॉजी का कार्य क्षेत्र है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट जो इम्यूनोलॉजी का है वो ये आपसे बताना चाह रहा है कि इम्यूनोलॉजी एक ऐसा माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होता है, एनाटॉमी क्या है, फंक्शन कैसे काम करता है, और क्या क्या दिक्कत आ सकती है इम्यून सिस्टम में, ये सारी की सारी पढ़ाई जो है हमारी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत होती हैं। तो वही बताया, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, और मोर स्पेशली इट मे बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एनाटॉमी फंक्शन एंड माल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, इम्यूनोलॉजी फाइंड्स अ ग्रेट स्कोप इन डेवलपिंग पोटेंशियल वैक्सीन अगेंस्ट मैनी डिसीज। मतलब कई बीमारियों से लड़ने के लिए ये इम्यूनोलॉजी हमारी मदद करता है कुछ ऐसे वैक्सीन्स को बनाने के लिए जो कि कई बीमारियों से लड़ सकती हैं। बाई एन इंटेंस स्टडी ओवर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होता क्या है कि इम्यूनोलॉजी में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई किया जाता है, और उनके द्वारा हम उसी पढ़ाई के मदद से जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई के मदद से हम वैक्सीन बनाते हैं किसी एक डिसीज से लड़ने के लिए। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है ये एक ऐसा ब्रांच है हमारे माइक्रोबायोलॉजी का जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं जिनके द्वारा हम प्रोडक्शन करा सकें एंटीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन, वैक्सीन या अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का,
और दूसरा हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज ना हो तो हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटामिनेशन या स्पॉयलेज से बचा नहीं पाएंगे। और दूसरा, अगर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की जानकारी या फिर हमको इसका स्टडी नहीं किए हैं तो हम प्रोडक्शन नहीं करा पाएंगे एंटीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन, वैक्सीन का या अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एक स्कोप पाता है प्रोडक्शन कराने के लिए एंटीबायोटिक्स का, और साथ ही साथ जो नॉन स्टेराइल और स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनको भी कैसे बचा ले जाना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा से, अटैक से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक से अपने स्टेराइल या नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट को कैसे बचा ले जाना है, ये भी हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बताता है। इस वजह से ये स्कोप पाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चरल फील्ड, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो लास्टली हम बात करेंगे कि कैसे माइक्रोबायोलॉजी अपना जगह बनाता है खेती में या एग्रीकल्चरल फील्ड में, कैसे वो स्कोप पाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कहना चाह रहा है, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पौधों के विकास में मदद करते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम एंड राइजोबियम, ठीक है। इनका काम है कि जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं मिट्टी में, ठीक है, जो नाइट्रोजन इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ये कलेक्ट करते हैं और पौधों को दे देते हैं, ठीक है। एक बार इनको कलेक्ट करके फिक्स करते हैं और पौधों के लिए अवेलेबल करा देते हैं, जिसके द्वारा जब एक बार पौधे इस नाइट्रोजन को पा जाते हैं तो वो काफ़ी जल्दी विकसित होते हैं, ठीक है। तो वही बताया, देयर आर मैनी बैक्टीरिया विच आर कंसिडर एज टू बी गुड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम एंड राइजोबियम आर फ्यू बैक्टीरिया हुज जॉब इज टू फिक्स नाइट्रोजन ऑफ द सॉयल एंड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि माइक्रोबायोलॉजी अपने लिए एक कार्य क्षेत्र पा जा रहा है, क्योंकि इनमें हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करते हैं जिनके इस्तेमाल से हम खेती में काफ़ी अच्छा पैदावार करा सकते हैं अनाज का, ठीक है। वही बताया, माइक्रोबायोलॉजी फाइंड्स अ ग्रेट स्कोप इन प्रोवाइडिंग हाई यील्ड ऑफ रॉ फूड मटेरियल फ्रॉम द फील्ड्स बाय सिंपली स्टडिंग द प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूजिंग देम इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका सिंपल यही बता रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी अपना स्कोप पा जाता है खेती में, क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ क्या, सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और किस प्रवृत्ति का वो बैक्टीरिया है, क्या उसका नेचर है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उस बैक्टीरिया का इस्तेमाल कैसे हम करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिले, ये बताता है माइक्रोबायोलॉजी। तो इस वजह से वो माइक्रोबायोलॉजी एक स्कोप अपना एग्रीकल्चरल फील्ड में भी पा रहा है।